हे दोस्तों, आप लोग देखे V4 वीडियो। तो अभी रिसेंटली मैंने अपनी लाइफ का सबसे पहला एप्पल प्रोडक्ट लिया, वो भी खुद के लिए, जो कि है ये एप्पल का मैकबुक एयर लैपटॉप। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे इस एप्पल के मैकबुक एयर लैपटॉप के बारे में ही बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। वैसे कुछ ज़्यादा खास स्पेसिफिकेशन नहीं है इसके प्राइस के हिसाब से, क्योंकि आपको पता ही होता है कि एप्पल के प्रोडक्ट काफ़ी महंगे होते हैं। तो इसे मैं ओपन करता हूँ और ये फाइनली ओपन हो गया। हालांकि मैं इसे पहले ही ओपन कर चुका हूँ और ये 2 दिन यूज़ भी कर चुका हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए वापस से इसे पैक किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें बहुत ही प्यारी चीज़ देखने को मिलती है, जो कि ये है एक छोटा सा इंडियन स्टाइल चार्जिंग सॉकेट जो कि इसके अडॉप्टर में लगेगा, और यहाँ पर इंडिया भी लिखा हुआ है। ये बहुत ही प्यारा लगा मुझे तो। और ये रहा इसका एडाप्टर, 45 वाट का है, निकल रहा भाई, ये कुछ ऐसा होता है। और यहाँ पे सॉकेट कुछ इस तरीके से लग जाएगा, ये ऐसे। और यही नहीं, आप लोग चाहें तो इसके साथ दिए गए इस सॉकेट को हटा के इस वायर को, इसकी लंबाई को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। वैसे मुझे इसके साथ कभी कोई काम नहीं आएगा, लेकिन काफ़ी अच्छी बात है ये एप्पल की तरफ से। और इसके अंदर क्या है, जल्दी से अनुमान लगाइए। चलिए मैं निकाल के दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर होगा एप्पल स्टिकर्स। अब ये आप लोग बताइए मैं इसका कैसे यूज़ करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एप्पल स्टिकर्स को कहाँ पे यूज़ करूँ। शायद ये यूँ ही पड़े रहेंगे। और एप्पल स्टिकर के साथ कुछ मैनुअल्स और वारंटी कार्ड जो कि इसी बॉक्स में पड़े रहेंगे और बॉक्स को कभी सूना नहीं होने देंगे। तो फाइनली ये है अपनी मैकिंटोश हवा वाली किताब। अब ये मैकिंटोश हवा वाली किताब कैसे, अरे इसका नाम ही है मैकबुक एयर, तो होने गया मैकिंटोश हवा वाली किताब। और आप लोग तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा पतला है ये मेरी एक उंगली से भी पतला है। ये इसके बैक का साइड है और ये इसके लेफ्ट साइड का साइड है। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट, USB पोर्ट और जैक, और ये इसके राइट तरफ का साइड है। यहाँ पे भी एक SD कार्ड स्लॉट, USB पोर्ट और थंडरबोल्ट पोर्ट है। तो फाइनली इसे ओपन करते हैं और ये एक ही उंगली से ओपन हो जाता है, हमें नीचे इसके हाथ भी नहीं रखना पड़ता है, जबकि बाकी के लैपटॉप में ऐसा नहीं होता है। इसे ऑन करते हैं, और फाइनली लैपटॉप ऑन हो गया। तो ये है हम लोगों का नया मैकबुक एयर। और यहाँ पे दोस्तों मुझे इनका चार्जिंग का सिस्टम बहुत ही मस्त लगा, ये मैग्नेटिक है कुछ ऐसे, ये देखो। तो मतलब बाई चांस अगर आपका पैर फंस जाता है इसके वायर में तो ये लैपटॉप को खींच के नीचे नहीं गिराएगा, ये खुद ही निकल जाएगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा मस्त लगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे V4 वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देरी किस बात की, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करो और नोटिफिकेशन को ऑल पे लगा लो, तो भूलना नहीं बिल्कुल भी। तो आज से पहले मैं कभी भी किसी भी लैपटॉप का ट्रैक पैड नहीं यूज़ करता था, लेकिन इसमें तो अलग ही मज़ा है। ये देखो, डबल फिंगर से ये स्क्रॉल हो जाता है। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि मुझे पता भी नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, इसका ये मिनिमाइज और क्लोज के आइकन, ये बहुत ही छोटे हैं, थोड़े बड़े होते तो शायद सही होता मेरे हिसाब से। तो चलिए बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो जो एप्पल है ना, उसके पास बहुत ही अच्छे डिस्प्ले पैनल्स हैं, लेकिन इसने 2017 तक के मैकबुक एयर्स में बहुत ही कम अच्छी क्वालिटी के डिस्प्ले का यूज़ किया है। लेकिन अगर इसी डिस्प्ले को किसी दूसरे नॉर्मल लैपटॉप से कंपेयर किया जाए जिसकी कीमत 50,000 से कम है, तो आपको इसकी डिस्प्ले ज़्यादा अच्छी लगेगी। हालांकि इसकी डिस्प्ले का व्यूइंग एंगल कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो अलग है इसके डिस्प्ले में जो कि दूर से ही झलकता है। तो ये तो था अभी तक एक छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो मेरे मैकबुक एयर को लेकर। लेकिन अभी बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात को लेके। तो आप सभी को एक ऐसे क्वेश्चन को लेके कमेंट करना है जो कि आप इस मैकबुक एयर के बारे में जानना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊँ कि मैकबुक एयर वर्सेस i9 प्रोसेसर में वीडियो एडिटिंग की स्पीड, तो मैं ऐसा भी वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसे ही कोई भी अगर आपके पास सवाल है बहुत ही बढ़िया, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके इस मैकबुक एयर के बारे में, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं वीडियो में कमेंट किए गए सारे सवाल को लूंगा और उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिससे अगर बाय चांस किसी को भी मैकबुक एयर 2017 मॉडल लेना होगा तो उसके सवालों का जवाब मिल जाएगा और उसे आसानी होगी इसे लिया जाए या ना लिया जाए ये सोचने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना।